Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि 2019 के एक दिन बाद भी सरकार ने चैन की रोटी नहीं खाने दी। अफजाल अंसारी ने कहा कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन और ऊपर वालों की कृपा है कि मैं जीवित हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर प्राण त्याग देता। अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, अत्याचार और जुर्म के बल पर मुझे हराया नहीं जा सकता। अब मैं चुनाव लड़ने के योग्य हो चुका हूं और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। मनोज सिन्हा से मुकाबला हुआ तो गणना कराने तक नहीं आएंगे। अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूं, 2004 में समाजवादी पार्टी और 2019 में सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ चुका हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आमने सामने मनोज सिन्हा से लड़ाई होती है तो मतगणना तक भी नहीं आएंगे। अंसारी ने कहा कि 2019 के बाद चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है जनता सब देख रही है। अफजाल ने कहा कि मेरा हौसला तोड़ने के लिए मुझे इस तरह से बर्बाद किया गया, मेरी खड़ी फसलों को बर्बाद किया गया, परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, हमारे विरुद्ध एक ऐसा मुकदमा लगाया गया जिसमें मूल मुकदमे में मुझे बरी कर दिया गया था और गैंगस्टर मामले में सजा दी गई। मेरी 4 साल की सजा एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि मेरे 4 साल का सजा फैसला एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अफजाल ने कहा कि वो अंतिम सत्य नहीं था। सजा हुई, मैं जेल गया और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया और चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। अफजाल ने कहा कि जब हम अपील करने गए तो उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर मुझे जमानत दिया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत पर बोले अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सजा निलंबित नहीं की तो उसकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ शर्तों के साथ सजा के आदेश को निलंबित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अब मैं चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं हूं। अफजाल ने कहा है कि 11 जनवरी को लोकसभा के स्पीकर ने अधिसूचना जारी करके अब मेरी संसद सदस्यता सर्वोच्च के न्यायालय आदेश के शर्तों के साथ बहाल कर दी है। अब मैं चुनाव लड़ने के योग्य हूं। शर्तों के अनुसार मैं सदन की डिबेट में शामिल होकर मतदान नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से अफजाल अंसारी को ये सामने जो चीजें आई है उसके बाद जिस तरीके से वो अपने कड़े तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं वाकई चौंकाने वाला है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मामले को लेकर आगे क्या होता है और अफजाल अंसारी क्या सच में 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। यह बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।